एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने सोमवार को तहसील के सभागार में कोरोना जांच शिविर पर ड्यूटी कर रहे राजस्व कर्मियों के साथ बैठक किया। एसडीएम सदर ने राजस्व कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय शहर में कोरोना मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हम लोग लगभग 20 दिनों से शहर में लगातार शिविर लगाकर कोरोना की जांच करा रहे हैं। जांच प्रक्रिया में गोरखपुर जनपद पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। अब आवश्यकता है लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करके जांच को और बढ़ाया जाए और कोरोना की चैन को तोड़ा जाए। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, कोविड में हम देख रहे हैं कि शहर में हमारे 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से हम दिन प्रतिदिन कोरोना शिविर लगा रहे हैं, जिसमें निःशुल्क कोरोना जांच हो रही है। प्रदेश में गोरखपुर का द्वितीय स्थान है टेस्टिंग में। हमने पिछले 15-20 दिनों से टेस्टिंग काफ़ी बढ़ाई है। एक अमीन और एक लेखपाल को संयुक्त रूप से एक प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर हमने लगाया है और सभी घरों में जा जाके, सभी गलियों में जा जाके, ऐसे क्लस्टर्स में जा जाके जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव व्यक्ति काफ़ी हैं, वहाँ पे उन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक टेस्ट कराएं। कोई भी अगर सिम्टम आता है तो टेस्ट कराएं, अगर किसी सिम्टोमेटिक किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो टेस्ट कराएँ। टेस्टिंग ही इसका इलाज है और टेस्टिंग लोग करा रहे हैं। ये अब जो जन जागरूकता है ये काफ़ी फैल चुकी है, लोग आ रहे हैं, तो इसी संदर्भ में हमने मीटिंग की थी कि किस तरीके से और स्ट्रेटेजी को अपनाया जाए कि और टेस्टिंग को हम बढ़ाएं और एक्यूरेट टेस्टिंग करें। सर, राप्ती कॉम्प्लेक्स में टेस्टिंग कराई है, आज भी टेस्टिंग हुई है। तो जितने भी हमारे, क्योंकि ये देखते हैं कि जो शॉपकीपर होते हैं वो बहुत अच्छा ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, तो काफ़ी ह्यूमन इंटरफेस होता है, तो वहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि अधिक से अधिक टेस्ट कराएं ताकि लोगों में अगर कोई संक्रमण की संभावना है उसको हम खत्म कर दें, समाप्त कर दें। सर,